आखिर तुम उस इंसान का खून नहीं आए। मालिका सिम के आजाद होने का वक्त आ गया मौरीद। अरे ये चोट कैसे लगी आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है अली? हमें इस गुफा से जल्द निकलना ही होगा। ये बोतल कैसे फूट गई? इसका क्या मतलब है मरीद? इसका मतलब वो दूसरा बड़ा पार कर गुफा से बाहर निकल कर भाग। नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। ये लो और थोड़ी ही देर में शैतानी वक्त शुरू हो जाएगा और जैसा ही आसमान लाल चादर ओढ़ ले तुम इस खून को इसमें डाल देना। ऐसा करते ही मलिका सिमसिम आजाद हो जाएंगी। लेकिन तुम कहां जा रहे? मेरे इस जंगल से मेरी रजा के बगैर कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। मैं उन दोनों को मौत के घाट उतारने जा रहा हूं। मर्जीना, अली, अली कहाँ खोए हुए हैं आप? हमने आपको गुफा में देखा था। हवा में किस पर शमशीर चला रहे थे आप? ये चोट कैसे लगी आपको? क्या हुआ था गुफा में बताइए, हमें जानना है। बहुत बुरा ख्वाब देखा था मैंने मर्जीना। कैसा बुरा ख्वाब? कोई तुम्हें मुझसे दूर लेकर जाना चाहता था। मतलब? कोई तुम्हें मारना चाहता था। ख्वाब इतना खतरनाक था कि मैं हकीकत और छलावे में फर्क ही नहीं कर पा रहा था। तुमसे दूर जाने के दर्द में अपने आप की हमें चलना चाहिए। या खुदा, ये कैसा पागलपन है अली का? वो तो ख्वाब में भी हमारी मौत बर्दाश्त नहीं कर पाए। तुम लोग भी नहीं जानते, इंसानी दुनिया में उससे ही तो काबू पाते हैं सांपों पर। क्या मतलब? अगर हमें बीन मिल जाएगी मलिका इस सांप को भी काबू में कर सकते हैं और फिर उनसे पता लगा सकते हैं उन्होंने असली शहजादी को कहाँ छुपा कर रखा है। और हम लिफिया पर की जान भी बचा सकते हैं। मैं बेन के बारे में इतना सब कैसे पता है? मेरे बाबा बेन के जो सौदागर थे वो खुद बेन बनाते थे और सांप पकड़ने वालों को बेचते थे। तो क्या ये बेन तुम भी बना सकते हो? जरूर बना सकती हूँ। मेरे बाबा ने खुद मुझे सिखाया था, पर उसके लिए मुझे बांस के सूखे डंडे चाहिए और वो सूखे और खास कद्दू चाहिए जिसे बीन बनाई जाती है। अच्छा, तो फिर हमें ये साजो सामान लाना ही होगा क्योंकि उसके मदद से ही हम अलीफी की जान भी बचा पाएंगे और वो तलिस्मान भी पा पाएंगे। हैदा, तुम यही रुकना, मैं और पोया सामान लेके आते हैं। Ah!
ये सर तो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। है तो ये देखो सूखा हुआ कद्दू और सूखे हुए टेनिया, इससे तो पिन बन जाएगी ना। हाँ बन जाएगी। ये रहा था, ये मैं जरूर से चुरा कर लाया हूँ। नफीमाजान इसको इसे छेद कर ले। ऐसे देखते ही सांप काबू में आ जाएंगे। देखते ही नहीं, इसे बचाते। फिर किस बात की है? चलो नचाते हैं इंसानी सांपों को। अली, हम तो यहाँ रूबीना का सिर्फ एक सर लेने आए थे, लेकिन यहाँ तो पांच पांच सर है। असली सर एक ही है, बाकी के चार छलावा है। सही फरमाया है तुमने। सर तो एक है और बाकी चार छलावा। बख्शीश देने का मन कर रहा है मुझे तुम्हें, जो आज तक नहीं हुआ वो तुमने कर दिखाया। आज तक इस जंगल में कोई भी एक पड़ाव पार नहीं कर पाया और तुम यहां तक पहुंच गए। मरीद। हाँ मरीद। ये जंगल मेरा है और मेरी रजा के बगैर यहां से कोई पत्ता नहीं ले जा सकता, और तुम दोनों शैतानी जिस रुबीना का सर लेने आए हो, जाओ जाओ, लेकिन पांचों सर नहीं, सिर्फ एक, और वो भी असली। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, गलती से भी किसी गलत सिर को मत चुन लेना। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे सर के इतने टुकड़े होंगे, उन्हें बीनने के लिए तुम्हारे पास एक आंख तक नहीं बचे। बस एक मौका मिलेगा तुम्हें, तुम उस शैतानी जिस रुबीना का सर हासिल कर पाते हो या अपना भी सर गवाते हो। अगर हम सही सर चुनने में कामयाब हो गए तो बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा।
लेकिन इस सवाल का जवाब तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ ही नहीं और ना ही होगा। अगर हो गया तो? अगर ऐसा हुआ तो मैं सिम सिम की दी हुई जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब हो जाऊंगा। जन्मदिन हार जाएगा, चलकर खाक हो जाएगा मरीज। तो ठीक है, आज फैसला हो ही जाएगा कि किसके नसीब में मौत लिखी है और किसके नसीब में जिंदगी। मैं हूं असली सर, तुम मुझे चुनो। नहीं, असली सर मैं हूं, तुम मुझे ले चलो। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, असली सर मैं हूं। असली सर मैं हूं, मुझे मेरे जिस्म के पास ले चलो। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब छलावा है, तुम मुझे ले चलो। शैतानी वक्त शुरू हो गया है। हम मलिका को कैसे आजाद करने का वक्त आ गया है। बोतल में धरा, यानी कि बोतल टूटने वाली है, मैं आजाद होने वाली हूं। मैं आजाद होने वाली हूं, मेरे नूरे निकाह। मैं हूं असली सर, मुझे ले चलो। तुम रुबीना हो, मैं तुम्हें चुनता हूं। क्या खुदा, अली ने सही सर चुना हो, वरना आज हम अपना सर खो बैठेंगे। कौन है तुम? मेरी हर चाल को नाकामयाब बनाता जा रहा है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अली!
अब तेरे खात्मे के साथ साथ ये जंगल भी आजाद हो जाएगा मरीद। अली, आपको कैसे पता चला कि रूबीना की असली शक्ल यही है, जबकि सारी शक्लें एक जैसी थी। नाक एक जैसी, कान एक जैसे, और आंखें भी एक जैसी ही थी। आंखें एक जैसी नहीं थी। दर्द, रूबीना की आंखों में दर्द अपने जिस्म से अलग होने का। आज आपने कमाल कर दिया अली। अगर हमारा बस चलता ना तो हम आपको 21 तोपों की सलामी देते। अब हमें रूबीना के जिस्म को और इंतजार नहीं कराना चाहिए। तय वक्त से पहले हमें उसका सर ले जाकर उसे दे देना चाहिए, क्योंकि इंतजार का दर्द कितना तकलीफ देता है ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। आजाद हो गई, इस कैद से आजाद हो गई मैं। झूठा गुमतवा है, धोखे से कैद किया था तूने मुझे, लेकिन तू भूल गया था कि मैं सिमसिम हूं, शैतानों की मलिका सिमसिम। मुझे कोई कैद नहीं रख सकता। अब मेरी आजादी कहर बनकर बरसेगी तुझ पर, और अब खेल खेला जाएगा तेरे साथ।